व्हाट्स अप गाइस, मैं बोल तो सही, रिकॉर्डिंग चालू कर रही है। सो आज हीरोइन मेरे को लाइक कार जैसे आ गई, आप सबको पता, जब कार आई उसके बाद में कितने वीडियो में दिखा दी, उसके बाद में हीरोइन मुझे बरोड़ा छोड़ दे पहली बार ड्रॉप करने जा रहा हूँ, लेते हैं तो गया था सरप्राइज के दिया था मैंने। एंड लाइक ये काफी 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 महीनों के बाद ऐसा हुआ है कि हीरोइन मेरे को आ रहा है, नहीं तो मैं कैब वाले भैया के साथ जाती थी पीछे सोते हुए। एक सेकंड रुक जाओ, मैं सीट बेल्ट पर। अंकिता को मैंने इस बार ये बोला है कि इस बार ब्लॉग तू करेगी, क्योंकि ये हमेशा क्या मेरे को ब्लॉग करना पड़ता है, सीख। मैं सीख गई हूँ, पर मुझे ट्राइपॉड चाहिए। एक सेकंड, ब्लॉग करने के लिए ट्राइपॉड नहीं चाहिए होता अंकिता, मुझे ब्लॉगर नहीं बोलते फिर। मुझे वैसी हूँ मैं, ऐसी ट्राइपॉड के साथ वैसी है। एक और चीज मैं आपको बता दूँ, जो मैंने सोचा था कि अंकिता को जब ब्लॉग कर रहे होंगे तभी बताऊंगा ताकि उसको तड़प रहे एंड तक। वुमेन डे आया, जैसा कि सबको पता है ऑब्वियसली, ये व्लॉग हम कर रहे हैं दो दिन पहले, दो या तीन दिन पहले, चार 8 तारीख का वुमेन डे है स्पेशल। तो अंकिता के लिए मैंने कुछ स्पेशल गिफ्ट मंगा के रखी थी जो मेरे पास गाड़ी में है, छुपा के रखी हुई है। एंड ये व्लॉग के एंड में मैं अंकिता को मैं वो स्पेशल गिफ्ट दूंगा, और ये ऐसी गिफ्ट है जो अंकिता की ड्रीम गिफ्ट है, वन ऑफ द ड्रीम गिफ्ट ऑफ अंकिता। एंड डेफिनेटली आई थिंक चीजों में इससे अच्छा अंकिता को कुछ नहीं लगेगा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार, ऐसा तो क्या है कि जो ऐसा कर रहा है। ब्लॉग को एंड तक देखना, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना हमारे, यार कर लो प्लीज, इतना सारा। हाँ यार कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, वो भी फ्री का है, यहाँ पे सब्सक्राइब करो वो भी फ्री का है, बेल आइकॉन कर लो, सब कर लो, अच्छा ही देते हैं। और बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइव देखना चाहते हैं लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब करो, एंड अंकिता को भी सब्सक्राइब कर लो। यस, बाकी यूट्यूब चैनल भी है जैसे मेरे डॉगीज की, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो सब लोग ब्लॉग को देखो, कंटिन्यू करो। तो हम आए हैं वो वाली जगह बर्गर सिंह पे, तो यहाँ पे आपको बर्गर सिंह जो नजर आ रहा है वहाँ पे हम जाएंगे बर्गर खाने के लिए और लेने के लिए, क्योंकि अंकिता के भाई को ट्राई करना है यहाँ का बर्गर। और हमने यहाँ का ट्राई किया था, हमने ये भी प्लान किया था कि यहाँ पे एक बार हम ब्लॉग करेंगे, बट उसकी जगह पे हम इसी ब्लॉग में इसके बर्गर का वीडियो बना लेंगे। एक उड़ता पंजाब पार्सल और एक उड़ता पंजाब खाने का हमारे लिए मंगाया है उड़ता पंजाब। yes. तो यहाँ का स्पेशल वेज बर्गर है क्योंकि हम लोग है वेज, और अगर आप लोगों में से कोई नॉन वेज हो अगर सजेशन चाहिए आपको, तो यहाँ पे अमृतसरी मुर्ग मखान, सही बोला ना मैं? हाँ, क्या आश्री है कहीं, हमको बहुत मजा आती है जब हमको मास्क में भी कोई भी पहचान जाता है कहीं पे। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे नीचे हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, बताता हूँ, आ जाना अंकिता। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ नीचे एक इंसिडेंट हुआ था जब हम लोग आए थे यहाँ पे खाने के लिए बर्गर, और एक हमारा एक फैन बच्चा, मतलब छोटे अंडर 13-14 ईयर्स के होंगे, वो क्रॉस हो रहे थे, हमको गाड़ी में से हाई किया, तो हमने भी हाई किया, पता नहीं कौन था और जोर वाला हाई था, फिर हम तो यहीं पर हमने पार्क कर दी, और वो लोग आगे जाके रास्ते में गाड़ी खड़ी करके पूरी फैमिली आई, इतना अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा फील होता है जब हमको कहीं पे भी कोई भी पहचान जाता है, और उसी दिन हम लोग गाड़ी लेके पहली बार निकले थे। एंड यार मैं बोलना चाहती हूँ, काफी बार ऐसा होता है काफी लोग हमको पहचानते पहचानते हैं, बट वो लोग ऐसा फील करते हैं, हमको काफी पता चल जाता है कि वो लोग हमको जानते हैं और वो थोड़ा शाय फील कर रहे हैं। काफी लोग बात करते हैं हमारी, हमको सुनाई भी देता है पर वो आते नहीं है बात करने के लिए, तो ऐसा मत क्या करो, वी मीट एवरीवन हैप्पीली, तो आया करो मिलने, मिला करो, हमको अच्छा लगता है। Yes. ये है हमारा बर्गर सिंह का उड़ता पंजाब, अंकिता खोलना। जब भी खाना आता है तो हीरोइन वीडियो रिकॉर्ड करना भूल जाता है मुझे, एक्चुअली अभी भी भूल जाता हूँ। मेरे काफी सारे ब्लॉग में ऐसा है, हमने बोला है कि हम ये खाना खाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद खाने का ब्लॉग ही नहीं सीधा निकल रहे हैं। ये देखो इसके मुंह पे सब जगह फैला है इसने, मुझे मैकडी का बर्गर कौन पसंद है। अंकिता ने जैसा बोला, माला यहाँ तो बर्गर खाने के बाद मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने की इच्छा ही नहीं होती, बहुत जूसी वगैरह हो, सिंपल से लगता है। एक और जगह है बर्गर की जहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, उनको सिर्फ ये दो जगह के बर्गर पसंद है। गाइस अब हम खा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते वक्त करते हैं, पार्सल ले लिया, अब यहाँ से निकलेंगे डायरेक्टली अंकिता के घर की तरफ, यानी बरोड़ा। अंकिता ने मुझे बहुत बीच में खाते खाते बोला, मैंने इसको कंफर्म बोल दिया है कि कितना भी बोल मैं नहीं देने वाला हूँ, घर पे उतारने के बाद मतलब निकलने से पहले वहाँ से फिर दूंगा मैं, ओके नो प्रॉब्लम, तो दूंगा ही नहीं,
या तो फिर मैं बड़ौदा से निकलते वक्त दूं या तो फिर ना दूं, डिसाइड कर। ठीक है, बड़ौदा से निकलते वक्त में लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे थे। उड़ मत जाना, ठीक है? मैं तो उड़ रहा हूँ। नहीं उड़ना मत, प्लीज। नहीं मेरी बेबी नहीं। तो हम एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं और ये मैंने बनाया था खुद हिरन के लिए। सो अभी आए हैं रिलायंस में अंदर के लिए। बस तुम बोला था रिलायंस दिखाना है तो मैंने बोला अंदर तक अंदर से दिखा के कुछ कर निकाल लेता हूं। हाय फ्रेंड्स, ये हम है, ये रिलायंस है और ये हमारी ड्राइविंग हो रही है। यार ये तो कोई तरीका है बात करने का, रास्ते पे खड़े रख के साइकिल पे हो गया। ओ भैंस की आंख, अरे हम बाहर निकल गए। हम लोग बड़ौदा में एंटर हो चुके हैं। अभी हम इनऑर्बिट मॉल जाने वाले एक चीज के लिए, वो क्या है वो आ जाके बताऊंगा। yes. मुझे जरूरत है क्योंकि मैं सुपर स्ट्रेस में हूँ। मैं भी स्ट्रेस में हूँ, पर मैं अभी घर जाऊंगी और मैं सिर्फ चिल मारने वाली हूँ। और मैं चिल मारने का तो मेरे नसीब में नहीं है क्योंकि हिरन को बहुत शौक थी बहुत सारी यूट्यूब में चैनल खोलने। अरे गाइस, मैं आप लोगों के लिए हैंडल कर लेता हूँ ना, तो आपका भी फर्ज बनता है। सब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, सारी वीडियो देखो, एड को स्किप मत करो और कॉमेंट कराओ। तू हमेशा ऐसे टूट क्यों भर दी? क्योंकि करो, मैं चाहती हूँ करो यार। 25 rupees है शायद। ये हम को गाड़ी का बे क्या? हाय, मैं किसी को छोड़ के जाने वाली हूँ अभी। जितने भी स्पा है और जितने भी मस्त प्रोफेशनल थेरेपिस्ट करते हैं ना, उससे भी अच्छा रिलैक्सिंग यहाँ पर। अगर नहीं सच है, हाँ, पर मैंने बोला नहीं, थोड़ा और तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही। गाइस ये है, आपने बहुत पहले एक ब्रांड ब्लॉग में देखा था। हाँ, बहुत कार शॉक वाले में। हाँ, तो उसका लिंक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था दे दूंगा, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ना वो ब्रांड की। सो गाइस, आज ऐसे देख सकते हो हिरन रिलैक्स हो रहा है। तू भी बैठ जा। ये देखो अंकिता सो गई है, मेरा जस्ट अभी खत्म हुआ। अंकिता कैसा लग रहा है? अमेजिंग। ऐसा लगता है कि हिरन स्टूडियो में एक डलवा देना। ये स्टूडियो में डलवाने के लिए पता है एक चेयर कितने की है? ये वाली कितने की? 4.5 लाख से स्टार्ट होती है। एज यूजुअल इतना ज्यादा स्ट्रेस था, सब कुछ गायब हो गया, इतना गायब हो गया कि मैं ब्लॉक करना भूल गया वहां से निकलते हुए। अब हम यहां से निकल चुके हैं इनऑर्बिट से, अब सीधू चलेंगे एंकी के घर, क्योंकि एंकी का कब से वेट कर रही है। ऐसी तो कौन सी मेरी ड्रीम गिफ्ट है जो मुझे मिलने वाली है ना? Yes. और ये मैं दूंगा, ये तो अंकिता एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती बिल्कुल भी। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि क्या है और कौन सी ड्रीम है। मैं काफी बार बोली ये और हिरन ब्रांड ये मैं बोला ये गैस ही नहीं कर पाएगी कि मैं दे सकता हूँ। अंकिता के घर की तरफ जा रहे लिफ्ट में एंड अंकिता ने एंड जैसे पार्किंग तुरंत दी, क्या है गिफ्ट, क्या है गिफ्ट? मैंने बोला ना मुझे सावन भी निकालना नहीं दिया है गाइस, क्योंकि एक्चुअली मैंने ना गलती से साइड में एंड सारा सामान खुद उठा उठा के लाया है। देखो लेडीज बैग पकड़ के खड़ा हूँ, तो मैंने तो बोला कि अभी नहीं, जब मैं निकल रहा हूँ ना तब वो गिफ्ट दूंगा। तो आप भी गाइस वेट करना, अभी किसी को भी नहीं पता, मैंने नहीं बताया किसी को भी कि मैं देने वाला क्या हूँ। तो आप भी गाइस वेट करो। ये देखो चली गई वहाँ पे, लिफ्ट बंद किए बिना बस इसके घर पे जाऊँगा, थोड़ा बहुत खाऊंगा और फिर निकलेंगे। निकलेगा मतलब मैं निकलूंगा, मैं और मेरी तनहा ही निकलेंगे साथ में। तो ये मैं खाने बैठा हूँ, सादी दाल, कैबेज की सब्जी जो मम्मी ने बनाई है अंकिता जी, और ये सब्जी कैप्सिकम मटर आलू जो दिव्यांग ने बनाया हुआ है। आज अंकिता की थाली। अंकिता, लोग जानना चाहते हैं तेरी थाली में इतना कम खाना क्यों होता है? फाइनली हमारे यहाँ से एग्जिट होने का वक्त और अंकिता को फाइनली। अरे हाँ यार, मेरा
और अंकिता को मिलेगी उसकी फाइनली उसका सरप्राइज। तो पहले हम पार्किंग में जाएंगे, फिर वापस बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद मैं इसको दूंगा क्योंकि नीचे लाइट नहीं है। yes. अंधेरे में इसको पता भी नहीं चलेगा मैंने इसको क्या दिया। तो गाइस हमारा सीन हो गया। हाँ। मैंने पार्किंग में किसी और की पार्किंग में पार्क कर दी थी और वो गाड़ी भाई ब्लॉक करके चला गए। मेरी तो ब्लॉक की, साइड में जिसने पार्क की थी उसकी भी ब्लॉक कर दी क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो गया था। एंड उनको हम ढूंढ के लाए कि किसकी गाड़ी है, क्या है क्या नहीं। एंड देन फाइनली हमारी कार निकली। हमने वो ब्लॉग नहीं किया, मुझे लगा शायद वो अंकल वीडियो देखते हैं बुरा लगता अंकल शायद। क्यों तो मुझे गिफ्ट क्या देने वाला मुझे पता नहीं, मेरे रिएक्शन क्या होगा पता नहीं। एंड नीचे दुकान वाले लोग है ना, तो सो माय गॉड, ये अपुंग का इलाका, यहाँ पे अपुंग को शर्म आता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, रिएक्शन नहीं दे पाएगी मैं, और मुझे रिएक्शन देना है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं दे पाओगी, बट मैं देखो बोलूं सब इतना भी यार, रास्ते में थोड़ी खड़ी रखूंगा, साइड में तो रखू ना। मुझे हद है यार, बता दो तेरा सरप्राइज क्या है। ओके ठीक है, बोल बोलू बोल। सरप्राइज सच्ची कुछ नहीं था, मजाक कर रहा था ना, कब से नहीं देता है, मजाक कर रहा हूँ, है सरप्राइज। मजाक कर रहा है कि है, सरप्राइज है, दे दो, लाना पड़ेगा मुझे डिक्की में। इतने उतावल देखो सही वहाँ, ये देखो गाइस उतावल देखो इसकी, आजा दे देता हूँ। नहीं नहीं तो दे दो यहीं पे, ये है गाइस इसकी सरप्राइज, और जो उसी को पता चलेगा कि क्या है। आग बंद करके खुली रखो, आग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंद करें खुले रखे, रुक जा पहले घंटड़ी बंद करने दे मेरे को, ओपन कर दे रही हूँ। क्या कह, आपको अब तक पता नहीं चला, वो अंकिता बताएगी। अरे पहले लोगों को पता तो सही क्या है, देखो कहाँ से मिली और कैसे, हाउ, वो नहीं बताऊंगा गाइस, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोगों को नहीं पता चला होगा। अरे तेरा वो वन ऑफ द ड्रीम गिफ्ट है यानी, या एक्चुअली ये मेरे पास था और मेरे टूट गए थे, एंड देन मैंने प्लान किया था कि मैं परचेस करूंगी। कितने टाइम पहले टूटे थे? दो साल हो गए, दो साल। एंड देन फिर मैं ऑलवेज जाती थी, दो बार मैं जब मैं बहुत एक्साइट हूँ इसलिए मुंबई गई थी दो बार, एंड दोनों टाइम मेरी साइज नहीं मिली थी, एंड ऑनलाइन भी मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया था डिलीवरी के अंदर, क्योंकि इतना ढूंढा है तो मुझे साइज पता थी। और ये मेरे वैलिड शूज, जिन लोग को ना पता हो, मोस्टली तो पता ही होगा, बट जिन लोग को ना पता हो, मोस्टली को नहीं पता होगा, ओके मोस्टली को नहीं पता होगा, कमेंट करो गाइस आपको पता है कि मैं बैलेट डांसर हूँ, और ओ गॉड बोल नहीं सकती कितनी खुश हूँ, ओ गॉड थैंक यू, वेलकम। बता तो सही लोगों को, कहीं ये देखो ये लकड़े के जूते, एक्चुअली लकड़ा नहीं होता, मतलब जो भी होता है लकड़े जैसा, आई एम बहुत इमोशनल, मेरी बंदी रो रही है। ये तो देखो खुशी में भी, ये खुशी में भी रोती है, दुख में भी रोती है, कैसे मैनेज करेगा मैं, कैसे नहीं, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि इसको पता होगा, एंड लाइक ओ मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, और ये मैं डेस्परेटली वेट कर रही थी अगेन स्टार्ट करने को। मैं काफी वक्त से हिरेन को बोल रही थी कि मैंने वापस मेरी प्रैक्टिस शुरू की है एंड मुझे वापस करना है, और थैंक यू सो मच। ये वीडियो मैं भूमेश देखे दिन डालने वाला, तेरे ब्लॉग ड्रॉप करता है फिर मैं निकलता है, ठीक है, बहुत लेट हो गया। यस yes. और आप लोग गाइस प्लीज सब्सक्राइब तो जाना, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एल्सो हिरेन लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब करोगे तो आप हमको रेगुलरली रोज लाइव देख पाओगे, और सब अलग टाइप के कंटेंट्स आते हैं, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, एंड बाकी चैनल्स भी हैं डॉग्स की वगैरह की, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब करो, लेटेस्ट प्रैंक भी आ गया होगा। बाय बाय, अच्छा फ्लाव, अच्छा फ्लाव, बाय।